बहनों, आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि दिल्ली द्वारका सेक्टर 10 के अंदर जो दुनिया का सबसे बड़ा रावण बनने जा रहा है वो कब तक बनेगा, कितना बना है उसका वीडियो अभी तक नहीं आया है। तो बस वही वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये रावण पूरा रेडी हो चुका है, आप विजिट कर सकते हैं द्वारका सेक्टर 10 के अंदर, दिल्ली के अंदर अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो। और ये बनके तैयार हो चुका है। इस रावण की हाइट जो है वो 211 फीट की रहने वाली है। और तजिंदर चौहान जी इस रावण को बनाने के लिए अपने 25 लोगों की टीम के साथ पिछले 3 महीने से आंधी तूफान बारिश जैसा मर्जी मौसम हो वो कंटिन्यूसली उनकी टीम जो है वो काम कर रही है। और रावण जो है वो दिखने में बहुत खूबसूरत बना है। अब मैं से काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे होंगे कि यार ये कैसे बनाता है। तो ये मेकिंग के वीडियोस आप देख रहे हैं, फेस को अलग बनाया जाता है, उनके जो तलवार है उसको अलग बनाया, मुकुट को अलग बनाया गया, रावण के पैर अलग बनाए गए, रावण का जो बॉडी पार्ट है वो आप देख सकते हैं कितना किस तरीके से ज़मीन के ऊपर पहले उसको बनाया जाता है, फिर मतलब लोहा भी बहुत ज़्यादा लगता है उसके अंदर बनाने के लिए, और ओवरऑल 35 लाख रुपए का खर्चा इसके अंदर आया। फिर इन सभी पार्ट्स को जो है वो असेंबल करा जाता है और फिर जेसीबी या बड़ी क्रेन के माध्यम से, ये क्रेन देख सकते हैं, इससे इस रावण को जो है खड़ा करा गया है। अभी मेला भी लग गया है, ग्राउंड भी अभी तैयार हो रहा है, प्रिपेयर करी जा रही है सारी चीज़ें मेले के लिए, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और 12 तारीख को इस रावण का दहन किया जाएगा। सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, तजिंदर चौहान जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों की तरफ से, मेरी तरफ से, जिन लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं उनकी तरफ से, और आप लोगों से। तजिंदर चौहान जी का भी एक मैसेज था कि जब हम रावण जलाते हैं तो उस टाइम पर हमें अपनी जो बुराइयाँ हैं उनको जलाना चाहिए, समाज के अंदर जो भी बुराई है उसको हमने रावण के साथ, अपने अंदर जो भी बुराई है उसको रावण के साथ दहन कर देना चाहिए। और आज के टाइम के अंदर रावण की बात करूं तो रावण कोई इतना बड़ा नहीं है, विशाल जैसे वो लंका वाला था। आज के टाइम में रावण है वो लोग जो समाज के अंदर गलत चीज़ें फैला रहे हैं, जैसे कि अभी इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड करा था 96 लाख रुपये के कर्जे वाला जो अभी न्यूज़ के अंदर लड़का बना हुआ है। तो वैसे लोग जो वैसे मोबाइल ऐप्स को जो लोग प्रमोट करते हैं, आज बहुत सारे फिल्म स्टार इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, गुटखा शराब इन चीज़ों को प्रमोट करा जा रहा है, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें गलत हैं, ये गलत आदतें हैं, इनको आप लोगों ने छोड़ देना है, इस रावण के साथ दहन कर देना है अपनी गलत आदतों का। सो प्लीज़ ऐसा कीजिएगा और इन चीज़ों के अंदर मत पड़िए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कीजिए, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो वो जॉब कीजिए, और ऐसे लालच में आकर के ये चीज़ें ना करें, क्योंकि जो फिल्म स्टार प्रमोट कर रहे हैं उनको ये चीज़ें प्रमोट करने के करोड़ों रुपए मिल रहे हैं तब वो प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। वो खुद वो गेम्स, ये सट्टे वाले गेम्स नहीं खेलते हैं। रावण का लुक अगर आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत शाइन कर रहा है। इसके अंदर मलमल का कपड़ा इस्तेमाल करा गया है जो कि बहुत ही ब्राइट दिख रहा है रावण, बहुत प्यारे कलर्स इसके अंदर इस्तेमाल करे गए हैं और बहुत मेहनत करी गई है। तो आप लोग दिल्ली से हैं तो विज़िट करें, एंजॉय करें दशहरा अपनी फैमिली के साथ। बस भीड़ भाड़ में थोड़ा सा अपना ख्याल रखिएगा, लोगों का भी थोड़ा ख्याल रखिएगा, बाकी बस बढ़िया है, अच्छे से दशहरे को सेलिब्रेट कीजिए। आप सभी को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर कोई और अपडेट हमारे पास आता है रावण को लेकर के तो वो हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और अगर आपने ना अभी तक शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी काफ़ी सारे वीडियोस हम इस चैनल पे लेकर आते रहते हैं। और आप लोग यार देखो, प्यार करोगे, सपोर्ट करोगे, तभी तो हमें मोटिवेशन आएगा कि हम और वीडियोस बनाएं और आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आएं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि तजिंदर चौहान जी की पूरी जर्नी के बारे में, उनका कैसा सफ़र रहा, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी नीचे ज़रूर कॉमेंट करें, ताकि उनसे मिल के हम वो वीडियो भी बनाएं। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, और अपने बस सभी दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ये रावण का वीडियो शेयर कर दीजिए, उनको सभी को बता दीजिए कि अब की बार दुनिया का सबसे बड़ा रावण दिल्ली के अंदर बनने वाला हो है, और तजिंदर चौहान जी को भी दिखना चाहिए, इतना क्राउड वहाँ पे होना चाहिए, उनको लगना चाहिए जैसे चंडीगढ़ के अंदर जब उन्होंने पहली बार पंचकुला में रावण बनाया था, वहाँ पर भी बन रहा है, अब की बार भी 180 फीट का रावण बन रहा है, पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड था, वहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। दिल्ली के अंदर पहली बार बना रहे हैं तो देखते हैं दिल्ली वालों
इतना सपोर्ट करते हो आप तजिंदर चौहान जी को, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और नए फ्रेश वीडियो में। बाय बाय।